अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर आपको इस तरह के फॉरम हम आज बनाएंगे। देखें, इंशाल्लाह आज मैं इस तरह के फॉरम इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे, मेरे चैनल लिंक दिया है कमेंट में, लिंक पे क्लिक कर ले और नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हो स्क्रीन की तरफ। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं। कंप्लीट स्कूल वाले हो, कोई कॉलेज वाला फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले पेज की सेटिंग करते हैं। पेज की सेटिंग कैसे होता है? पेज की सेटिंग पेज लेआउट में होता है। सबसे पहले हम जाएंगे मार्जिन पे, यहाँ पर हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, नैरो पे भी क्लिक कर सकते हैं हम। नॉर्मल पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से एक एक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट इस पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ से पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज साइज, यहाँ पर हमारे पास पेज है लीगल लेटर A4, हम A4 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे इसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर करेंगे, यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। इंटर करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर शिफ्ट माइनस टैब टैब टैब, यहाँ पे डेट डालेंगे, इंटर। इसके बाद नेम एक और इंटर करेंगे, नेम नेम। यहाँ पर एड्रेस एड्रेस के लिए लाइन थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ तक। मोबाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को थोड़ा इसके साथ बराबर कर लेंगे।
ठीक है, जैसे हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एंटर एंटर, फिर शिफ्ट माइनस एंटर, यहाँ पर सिग्नेचर 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 ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ फादर, एंटर, पर लाइन ड्रा करेंगे इसे। एंटर अकाउंट सर सिग्नेचर सिग्नेचर। कंट्रोल ही अब सेटिंग करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे या से कंट्रोल ही सेंटर या होम पे क्लिक कर लें या इस पे, यहाँ पे क्लिक कर सकते सेंटर, कंट्रोल ही से भी कर सकते हम, कंट्रोल भी बोल्ड और इसकी साइज यहाँ से हम बड़ा कर देंगे, यहाँ से 24 कर देंगे, यहाँ पे हम स्टाइल कोई लेंगे, मैंने ये स्टाइल लिया, ठीक है, स्टूडेंट इसके लिए और स्टाइल, ये स्टाइल इसके अंदर लाइन स्पेसिंग यहाँ पे जाएंगे, चलिए 5 कर लेंगे, इसको यहाँ सेंटर पे कर देंगे, ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, इसकी थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, 14 करेंगे, और यह सिग्नेचर लाइन के ऊपर लाइन कैसे ड्रा करेंगे, इंसर्ट में क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर शेप पे क्लिक करेंगे या लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे, इस लाइन को ऐसे कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी लाइन को यहां से साइज कम कर देंगे, कंट्रोल डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, फिर यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे यहाँ पर नीचे
ये हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको